हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। और इस बार अभी मैं निकल रहा हूँ गणपति की मूर्ति के बुकिंग के लिए। इस बार ये पहली बार होगा कि मैं गणपति जी रखने की तैयारी में हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि गणपति जी को स्थापित करना चाहिए और यहाँ का जो उनका मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पास में ही लोधा है, उसी में ही मार्केट है, वहाँ जाके देखते हैं। और कोशिश ये कर रहा है मेरी कि मैं ऐसी मूर्ति लूँ जिसका कोई जो है मतलब कि जिसमें कोई केमिकल ना हो, खासकर POP की ना हो, मिट्टी की मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं उसी के लिए निकल रहा हूँ। चलिए देखते हैं मार्केट में क्या अवेलेबल है। यहाँ मैंने मूर्ति देखी है और मुझे पसंद आई है। मैंने और भी एक आध जगह देखा मगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि आपके यहाँ जो गणपति जाने होते हैं आपके यहाँ बिल्कुल डिसाइड होता है। तब हम यहाँ मूर्ति फाइनल करने के लिए आए हुए हैं। और जो भी लोधा पलावा साइड में या डोंबिवली के आसपास रहते हैं वो यहाँ भी आ सकते हैं। ये हैं यहाँ पे जिन्होंने हमें मूर्ति की पूरी डील की। क्या नाम है भैया आपका? नाम सुधीर। सुधीर उत्तर। उत्तर, अच्छा। तो आप अभी कब से आपकी सेवाएं चल रही हैं? कुछ 5 साल से। 5 साल से आप इसी में हो। तो बेसिकली आजकल जैसे हमारा ये मानना है कि ज़्यादा हमें POP को प्रमोट नहीं करना चाहिए, आपके पास क्या मिट्टी का भी कलेक्शन है? जी, शाड़ू मिट्टी का। अच्छा, जैसे इको फ्रेंडली कहते हैं, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा एडिशनल नहीं रहता है जो नुकसान करे किसी तरह भी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसको आप घर पे भी विसर्जन कर सकते हो। ओके। उससे पर्यावरण का भी संतुलन रखा जा सकता है। तो मेरे अब जैसे अभी आप देखेंगे कि 5 साल का एक ट्रेंड है कि पहले लोग POP ही जानते थे, कोई इतना ज़्यादा प्रकृति के बारे में नहीं सोचता था। अब धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि लोग अभी भी डिज़ाइन और इस चीज़ में ज़्यादा जा रहे हैं? जी, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अभी जैसे फिलहाल तो ऐसे ना कि प्लास्टर ऑफ पैरिस जो है वो जल्दी क्लीन ही होता है, ठीक है, इसलिए टाइम लगता है। और शाड़ू मिट्टी का जो गणपति रहता है वो आपको कुछ तो उसके लिए 30 मिनट बहुत हुआ, 30 ओके, उसमें तो पूरा क्ले हो जाता है। और बाद में वो विसर्जन होने के बाद उसका जो मिट्टी होता है, बाद में अपने झाड़ वगैरह पौधे वगैरह उसको डाल सकते हैं वो मिट्टी। राइट राइट राइट। उससे कुछ पर्यावरण को कुछ नुकसान भी नहीं होता। तो आपका जो मिट्टी का भी कलेक्शन पूरा है? अच्छा, ये पूरा जो आगे तक की सेगमेंट लगा हुआ है सब मिट्टी का है? जी, ये सब मिट्टी का मूर्ति है, इसमें आप डेकोरेट किया हुआ भी देख सकते हो। अच्छा, तो मिट्टी पे भी डेकोरेशन है, जैसे डायमंड वर्क किया हुआ है। जी जी। इसमें अलग अलग साइज होती है, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है, किसी को 6 इंच का, 1 फीट का, अपने यहाँ 1 फीट से लेके 2 फीट तक मूर्ति। अच्छा, जनरली घरों में रखने वाली जो मूर्तियाँ हैं। और ये टोटली वाटर कलर का ही है। अच्छा, इसमें कोई एडिशनल ये केमिकल कलर और ये सब भी ऐड नहीं किया हुआ है। एक रेड कलर की मूर्ति मुझे बहुत पसंद भी आ रही थी, यहीं से मैंने मूर्ति फाइनल की, मगर मैं भी आपको दिखाऊंगा नहीं। बहुत खूबसूरत। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक मूर्ति फाइनल नहीं की है तो एक काम तो ये भी कीजिए कि जल्दी करिए, वरना हो सकता है आप जिन गणपति को पसंद करने जा रहे हो वो गणपति कोई और ले जाए। बहुत बड़ा कलेक्शन है इनके पास मिट्टी का, प्लस POP का भी है। ये उन्होंने निकाल भी दी है, देखिए कितनी ही सुंदर लग रही है। ये पूरा मिट्टी का मूर्ति है, मिट्टी का मूर्ति है, और इस पे अलग से डेकोरेशन किया हुआ है। किसी की डिमांड होती है, हम लोग को वर्क करके जी जी जी, इसलिए हमको करना पड़ता है। राइट राइट। और ज्यादा करके मार्केट में इको फ्रेंडली का तो बहुत डिमांड है। सही बात, ज्यादा करके यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक से एक मूर्तियां हैं। मन तो ये करता है कि सभी मूर्तियां घर लेके चले जाएं। ये छोटा मूर्ति, अब छोटी भी, अच्छा, बाल गणेश मूर्ति है, अति सुंदर, छोटे से गणेश जी, सुंदर से। तो मैं इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहेंगे तो आप यहाँ से जरूर जानकारी ले सकते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है
अगर मेरे चैनल में कुछ अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसको कि इम्प्रूव करना चाहिए, उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली मैं और इम्प्रूवमेंट करूँ और इस परिवार को और बढ़ाइए। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसा कंटेंट ना डालूँ जो किसी तरीके से डिस्प्यूटेड हो, या कोई ऐसा उसमें मटेरियल हो जो कि हम परिवार के साथ ना देख सकें।